डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किसी भी लैपटॉप या पीसी में स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जाता है। आप मोबाइल में तो बखूबी जानते हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जाता है। तो यह जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप पर। यहाँ हम देख रहे हैं विंडोज 7 के अंदर अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दो मेथड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली मेथड हमारी होती है कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड बटन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम माउस की सहायता से हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर मैंने जो कीबोर्ड यहाँ बनाया हुआ है उस कीबोर्ड पे मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड बटन कहाँ पर होता है। इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पर हमने कोरल ड्रॉ की फाइल बनाई हुई है। जो फाइल हमने अभी ओपन की है यह फाइल कुछ अलग प्रकार से देखने को मिल रही है। कुछ बटन उसमें हमें नहीं देखने को मिल पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो कीबोर्ड है इस पर आप बैक स्पेस के ऊपर ही आप देख रहे हैं फंक्शन की 12 देखने को मिल रहा है। उसी के पास में आपको प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड बटन देखने को मिल रहा है और यही बटन आपको प्रेस करना है। इस बटन को हम प्रेस करेंगे, इससे हम बाहर चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस बटन को आप प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद आपको कुछ भी फील नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया है कि यह स्क्रीनशॉट कहाँ पर आया है और हम इसे कैसे देख सकते हैं। अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर शॉर्टकट देखने को नहीं मिले तो आप विंडोज आर बटन को प्रेस करें और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रन बॉक्स। इस रन बॉक्स में आप एमएस पेंट टाइप करें और एमएस पेंट टाइप करने के बाद ओके प्रेस करें और आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा पेंटिंग सॉफ्टवेयर। एमएस पेंट आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम होम मेन्यू के अंदर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लिया हुआ था वो हमें देखने को मिल चुका है। अगर आप इसमें कुछ एडिटेट करना चाहते हैं या आप कुछ लिखना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं या आप यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इसे बना पाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इसे हम सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन वाले ऑप्शन पर, जो कि यहाँ पर पेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप सेव पर जाइएगा और सेव पर जाने के बाद आप यहाँ पर जेपीजी के फॉर्मेट में पिक्चर को सेव करेंगे और फॉर्मेट में सेव करते हैं तो ये कहाँ पर हमें सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। डेस्कटॉप पर हम डिफ़ॉल्ट रूप से बैठे जा रहे हैं और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर मैं आपको सेव करके पिक्चर को बताता हूँ। इस पिक्चर का नेम मैंने लेना दिया है 12 ABK नेम से मैंने इसे
सेव किया जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और देखते हैं ए बी के नेम से यहाँ पर और कंट्री के नेम से यह फाइल हमें देखने को मिल चुकी है। फिर सबसे आसान स्टेप हमने अभी देखा कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जाए, कीबोर्ड की सहायता से, प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड बटन की सहायता से। अब दूसरा यहाँ पर जो शॉर्टकट हम देखने वाले हैं वह है स्निपिंग टूल। यह कैसा दिखाई देगा ये मैं आपको पहले ही यहाँ पर शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह से यह कैंची के आइकन में आपको देखने को मिलता है। इसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ सर्च बॉक्स में स्निपिंग के नाम से हम टाइप करते हैं। स्पेलिंग टाइप करते ही आपको प्रोग्राम वाली लिस्ट में देखने को मिल चुका है स्निपिंग टूल। यहाँ से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, रन बॉक्स से भी आप इसे इसी नाम से स्टार्ट कर पाएंगे। इसे क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से आइकन बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट करने के लिए हमें स्निपिंग टूल मिल रहा है, और यहाँ पर हम न्यू ऑप्शन के अंदर भी जाकर अलग अलग सेटअप इसका कर सकते हैं। और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से चुना हुआ है, आप इसे कैंसिल करेंगे यह हट जाएगा प्रोग्राम, और आप इसे न्यू पर क्लिक करके अभी यह डिफॉल्ट रूप से न्यू पर क्लिक है, और हम जितना भी स्क्रीन को सिलेक्शन में लेंगे उतना ही यहाँ पर यह पिक्चर कट इन करके हमें दे देगा, स्क्रीनशॉट बना के दे देगा। जैसा कि मैं चाहता हूँ ये सारे एप्लीकेशन जो हैं इनको मैं एक रेक्टेंगल में सिलेक्शन में ले लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल के अंदर इनको सिलेक्शन में ले लिया है, और बस इतनी को मुझे स्क्रीनशॉट के रूप में अलग ले जाना है, पिक्चर बनाना है। तो ये मैं लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं यह पिक्चर आ चुका है। इसे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सेव आइकन भी देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर आप जाके इसे सेव पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यह आपसे पूछेगा फाइल को किस जगह पर सेव करना है। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप चुनते हैं, और यहाँ पर हम इसके नेम को लेते हैं ABCD 1 2 3 4 5, और सेव हम इसे कर देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह कहाँ पर सेव हुआ है, इसी जगह पर सेव हुआ है, और ये हम देख सकते हैं प्रीव्यू करके राइट बटन क्लिक करके हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वह सेव हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट बड़े ही सरल स्टेप से ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट का यूज आप कर सकते हैं। Thanks for watching.